नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेवेसम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लेवेसम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लेवेसम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लेवेसम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेवेसम एक ब्रांड नेम है। लेवेसम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन लेवेटिरासिटम होता है। लेवेसम टैबलेट 250 mg, 500 mg, 750 mg और 1000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। लेवेसम टैबलेट का उपयोग मिर्गी व दौरों के इलाज में किया जाता है। लेवेसम टैबलेट मिर्गी और दौरों को नियंत्रण करने व रोकने में मदद करती है। इसके अलावा सिर की कोई सर्जरी होने पर या सिर में कोई गंभीर चोट लगने के बाद भी डॉक्टर दौरों को रोकने के लिए लेवेसम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि सिर की कोई सर्जरी होने पर और सिर में कोई गंभीर चोट लगने पर दौरे पड़ने का जोखिम अधिक हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में मिर्गी या दौरे की बीमारी को एक दवा से नियंत्रण में कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में डॉक्टर मिर्गी या दौरों को नियंत्रण में करने के लिए एक से ज्यादा भी मिर्गी या दौरों को नियंत्रण में करने वाली दवा को दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिर्गी या दौरे पड़ने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मिर्गी या दौरे पड़ने पर अचानक बेहोश होना, हाथों या पैरों में अकड़न पैदा होना, मुंह से झाग निकलना, अचानक से गिर जाना, अचानक से भ्रम होना और ध्यान न दे पाना, यूरिन या स्टूल का पास हो जाना, दांत पीसना, अपनी जीभ काट लेना, अचानक तेजी से आंखों का घूमना, अचानक डर लगना, बीमार महसूस करना, चक्कर आना, हाथ और पैरों को ठीक से बैलेंस न कर पाना आदि लक्षण मिर्गी या दौरे पड़ने पर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लेवेसम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में लेवेसम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद अधिक आना, सिर चकराना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, उल्टी आने का मन होना, कब्ज होना और घबराहट होना आदि साइड इफेक्ट्स लेवेसम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में लेवेसम टैबलेट की वजह से भूख कम लगना, खांसी या जुकाम होना, गुस्सा अधिक आना, सुसाइड करने का विचार आना और डिप्रेशन होना आदि साइड इफेक्ट्स भी लेवेसम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में लेवेसम टैबलेट की वजह से नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। यदि आपको लेवेसम टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह गले होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेवेसम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। लेवेसम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। लेवेसम टैबलेट को आपको प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर लेना चाहिए। आम तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेवेसम टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है, तो 10 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से डॉक्टर लेवेसम 500 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। लेवेसम टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको लेवेसम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी या दौरे आने की समस्या है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन भर दौरे की समस्या से पीड़ित रहेंगे। ज्यादातर व्यक्तियों में मिर्गी या दौरे की दवाइयां 1 से लेकर 3 साल के अंदर बंद हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट के दौरान आखिरी 2-3 साल के अंदर कोई भी मिर्गी का दौरा नहीं आया है, तो ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों में
डॉक्टर 3 साल के अंदर मिर्गी या दौरों की दवाइयों को बंद करने की सलाह दे सकता है, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे की दवाइयों को जीवन भर भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि दौरे आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दौरे पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता को दौरे आने की हिस्ट्री होना, सिर में कोई गंभीर चोट लगना, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने पर दर्द कम करने की दवाइयां ज्यादा खाना, ब्रेन ट्यूमर होना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ज्यादा शराब पीना, किसी तरह का इन्फेक्शन होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, अल्जाइमर डिजीज होना, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम या अधिक होना, शरीर में सोडियम की मात्रा कम होना, किसी जहरीले केमिकल के संपर्क में आने पर और किडनी या लिवर फेलियर होने पर आदि कारणों की वजह से दौरे आने की समस्या हो सकती है। बच्चों में बहुत तेज दिमागी बुखार होने की वजह से भी दौरे आने की समस्या हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेवेसम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेवेसम टैबलेट को लेते समय शुरुआत में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ परसेंट व्यक्तियों में लेवेसम टैबलेट की वजह से मानसिक सतर्कता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लेवेसम टैबलेट की वजह से चक्कर आना व नींद अधिक आ सकती है। लेवेसम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना एकदम से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेवेसम टैबलेट को एकदम से बंद कर देने की वजह से दौरे आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए लेवेसम टैबलेट को धीरे धीरे डोज कम करके ही बंद किया जाता है। अगर लेवेसम टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स होता है तो ऐसी स्थिति में आपका डॉक्टर लेवेसम टैबलेट को तुरंत बंद करके दूसरी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि दौरे पड़ने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिकांश दौरे 1 या 2 मिनट में अपने आप रुक जाते हैं, इसलिए इस दौरान पीड़ित व्यक्ति के हाथों या पैरों या शरीर के किसी भी अन्य हिस्से को ज्यादा जोर लगाकर रोकने या पकड़ने की कोशिश न करें। व्यक्ति को एक तरफ करवट करके सुलाएं। सिर की चोट से बचाव करने के लिए व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया या कोई नरम चीज रख दे। यदि व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर के कपड़े टाइट है तो उन्हें ढीला कर दे ताकि व्यक्ति को सांस लेने में आसानी हो। पीड़ित व्यक्ति को नुकीली चीजों से दूर रखें। अगर व्यक्ति ने चश्मे लगा रखे हैं तो चश्मों को उतार दे। व्यक्ति के मुँह में चम्मच या कोई और अन्य वस्तु मुँह में न रखे। व्यक्ति के मुँह को जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करे और व्यक्ति को जुराबे या जूते भी नहीं सुघाने चाहिए। बेहोशी की हालत में व्यक्ति को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। इन सभी बातों का पालन करके व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी पीड़ित व्यक्ति को अपने नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लेवेसम टैबलेट को ले सकती है या नहीं। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि लेवेसम टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लेवेसम टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लेवेसम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लेवेसम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।